अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल कंडीशनल एक्सप्रेशन, केस एक्सप्रेशन। यहाँ पे यूज किया गया इफ देन एल्स स्टेटमेंट विदाउट हैविंग टू इनवोक प्रोसीजर्स। इन अ सिंपल केस एक्सप्रेशन द एसक्यूएल सर्चेस फॉर द फर्स्ट वैन देन पेयर फॉर विच पेयर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कंपेरिजन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न रिटर्न एक्सप्रेशन। इफ अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड एंड एल्स क्लास एग्जिट्स The SQL return else expression, otherwise returns null। हम जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते लिटरल नल फॉर द रिटर्न एक्सप्रेशन और एल्स एक्सप्रेशन। फॉर ऑल द एक्सप्रेशन पुट किया गया एक्सप्रेशन कंपेरिजन एक्सप्रेशन रिटर्न एक्सप्रेशन। ये जो है वो सेम डाटा टाइप्स होते हैं। यहाँ पुट किया गया सिंटेक्स केस एक्सप्रेशन वेन कंपेरिजन एक्सप्रेशन देन रिटर्न एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू एंड सो ऑन वेन कंपेरिजन एक्सप्रेशन देन रिटर्न एक्सप्रेशन एल्स else expression and यहाँ पे represent किया गया input। और यहाँ पे example है select first name department id salary case department id when 50 then 1.5 salary when 12 then 2.0 salary else salary put किया गया and revised salary from employee यहाँ पे represent किया गया example में। और output जो है वो यहाँ पे represent किया गया नीचे जो है वो यहाँ पे देखें ये जो है वो आपने apply करना है और ये result है जिसमें यहाँ first name represent किया गया उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी है सैलरी और यहाँ पे रिवाइज सैलरी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट आईडी जो है रिकॉर्डेड है ये अगर जो है वो 50 देन सैलरी इज मेड 1.5 टाइम्स इफ इट इज देन 12 देन सैलरी इज मेड 2 टाइम्स एल्स देयर इज नो चेंज इन सैलरी। 10th आता डिकॉर्ड फंक्शन फैसिलिटेट कंडीशनल इंक्वायरीज बाय डूइंग दिस वर्क फॉर अ केस और इफ देन एल्स स्टेटमेंट। डिकोड स्टेटमेंट जो है वो डिकोड कर एक्सप्रेशन इन अ वे सिमिलर टू द इफ देन एल्स लॉजिक यूज्ड इन वेरियस लैंग्वेज। डिकोड फंक्शन जो है वो डिकोड कर एक्सप्रेशन आफ्टर कंपेयरिंग इट विद ईच सर्च वैल्यू। अगर एक्सप्रेशन जो है वो सेम है रिजल्ट के तौर पर रिजल्ट जो है वो रिटर्न है। अगर डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो मिटेड है नल वैल्यू रिटर्न है इसके अंदर सर्च कर रहे हैं वैल्यू डज नॉट मैच any of the result value। syntax put किया गया decode जिसमें column expression put किया गया search one और result one, search two result two और default। input put किया गया select first name department id salary decode same procedure आपने जो इसमें apply करना है और यहाँ पे output जो है वो represent किया गया जिसमें result है और first name put किया गया department id salary या revised same procedure जो है वो explain जो है वो किया गया decode functions में। उसके बाद आता है coels रिटर्न कर रहा है फर्स्ट नॉन नल आर्गुमेंट को और नल जो है वो रिटर्न है ओनली अगर ऑल आर्गुमेंट जो है वो नल होते हैं। ये जो है वो ऑफन यूज किया जाता है सब्स्टिट्यूट डिफॉल्ट वैल्यू के लिए और जब जो है वो डाटा रिटायर्ड है डिस्प्ले के लिए। यहाँ पे नोट पुट किया गया सम केस जो है वो एक्सप्रेशन है और कोएल्स जो है वो यहाँ पे आप इवेल्युएट नहीं कर सकते आर्गुमेंट्स को टू द राइट ऑफ द फर्स्ट नॉन नल आर्गुमेंट फॉर्म। सिंटैक्स पुट किया गया कोएल्स वैल्यू पुट की गई है और सो ऑन। इनपुट पुट किया गया सिलेक्ट कोएल्स जिसमें लास्ट नेम एन ए पुट किया गया फ्रॉम एम्प्लॉय यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। आउटपुट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया रिजल्ट की फॉर्म में जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कोएल्स और यहाँ पे नेम वगैरह पुट किया गया एक्सप्लेन किया गया। इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ एक्सप्रेशन। कंपेरिजन जो है वो केस सेंसिटिव है अगर डाटा टाइप जो है वो ऑल एक्सप्रेशन का लिस्ट में आर नॉट सेम है रेस्ट ऑल एक्सप्रेशन आर कन्वर्टेड टू डाटा टाइप ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर कंपेरिजन एंड इफ दिस कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल एसक्यूएल विल थ्रो एन एरर। यहाँ पुट किया गया सिंटेक्स जिसमें ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन वन टू और इनपुट पुट किया गया सिलेक्ट ग्रेटेस्ट एक्स वाई जी यहाँ पे आप देखें कैपिटल एंड स्मॉल से रिप्रेजेंट किया गया फ्रॉम डुअल। आउटपुट जो है वो नीचे रिप्रेजेंट किया गया जिसमें आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कैपिटल एंड जो है वो यहाँ पे जो है वो कैपिटल लेटर्स एंड यहाँ पे जो है वो स्मॉलेस्ट लेटर्स इसको रिप्रेजेंट किया गया एक्सप्लेन किया गया। इसके बाद 28 आता है यहाँ पे इफ नल इफ एक्सप्रेशन इज नॉट नल रिटर्न एक्सप्रेशन वन अदरवाइज इट रिटर्न्स एक्सप्रेशन टू रिटर्न्स अ न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वैल्यू डिपेंड ऑन द कंटेंट इन विच इट इज यूज्ड। सिंटैक्स पुट किया गया इफ नल एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू। इनपुट पुट किया गया सिलेक्ट इफ नल 10 फ्रॉम डुअल इनपुट यहाँ पे जो है आउटपुट 1 से रिप्रेजेंट किया गया एक्सप्लेन किया गया नो एक्सप्रेशन इज नल। इनपुट सिलेक्ट इफ नल नल 10 फ्रॉम डुअल आउटपुट 10 से रिप्रेजेंट किया गया। 30 आता है इन चेक्स वेदर अ वैल्यू इज प्रेजेंट विद इन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड कैन बी यूज्ड विद अ वेयर चेक एंड क्रिएट क्रिएशन ऑफ यूज।
नॉट पुट किया गया सेम एज केस एज क्वेल्स एक्सप्रेशंस इन आल्सो विल नॉट वैल्यूएट द आर्गुमेंट्स टू द राइट ऑफ द फर्स्ट नॉन नल आर्गुमेंट फॉर्म. सिंटैक्स पुट किया गया वेयर कॉलम इन x1 x2 x3. इनपुट पुट किया गया सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट आईडी इन 50 एंड 12 से रिप्रेजेंट किया गया. अगेन यहां पर जो है रिजल्ट पुट किया गया इसमें डिपार्टमेंट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहां पे आईडी वगैरह रिप्रेजेंट किया गया. इसके बाद आता है लीस्ट. रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस. कंपैरिजन इज केस सेंसिटिव. इफ डेटा टाइप्स ऑफ ऑल द एक्सप्रेशंस इन द लिस्ट आर नॉट सेम रेस्ट ऑल एक्सप्रेशंस आर कन्वर्टेड टू द डेटाबेस ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर कंपैरिजन एंड इफ दिस कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल एसक्यूएल विल थ्रो एन एरर. नॉट पुट किया गया रिटर्न नल इफ एनी एक्सप्रेशन इन द लिस्ट इज नल. सिंटैक्स है लिस्ट एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 यहां पे रिप्रेजेंट किया गया. स्ट्रॉन्ग इनपुट है सिलेक्ट लिस्ट पुट किया गया एक्स वाई जी एंड यहाँ पे जो है वो हायर देन एंड लोअर देन यहाँ पे कैपिटल लेटर पुट किया गया. फ्रॉम डुअल आउटपुट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया एक्सप्लेन किया गया. ए एस सी डबल वन जो है पुट किया गया वैल्यू ऑफ कैपिटल अल्फाबेट इज स्मॉलर और यहाँ पे गेट जो है इनपुट जो है रिप्रेजेंट किया गया एक्सप्लेन जो आउटपुट किया गया. उसके बाद 36 आता है नल इफ रिटर्न्स अ नल वैल्यू इफ वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 2 अदरवाइज इट रिटर्न्स वैल्यू 1. सिंटैक्स पुट किया गया नल इफ वैल्यू 1 वैल्यू 2 एक्सप्लेन किया गया. इनपुट सिलेक्ट नल इफ और यहाँ पे जो है कॉन्टेक्ट नंबर पुट किया गया फ्रॉम एम्प्लॉय. इस तरीके से यहाँ पे आप एक्सप्लेन जो है रिप्रेजेंट किया गया. आउटपुट जो है यहाँ पे शो किया गया जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया. यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया गया नल इज डिस्प्लेड फ्रॉम द एम्प्लॉय हुज नंबर इज मैच्ड विद द गिवन नंबर फॉर रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय इज रिटर्न. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज एवरीवन.